तुम्हारे आएंगे चाय वाय पी के। क्यों आ जाएंगे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। या खेलने के तो जी इस टाइम है हम छत पे और टाइम का भी पता नहीं है कितना हुआ है, बाकी काम वगैरह सब हो चुका है और अभी अभी कपड़े सुखाए हैं। ये देखिए तो धूप तो बस ऐसे ही निकली हुई है और आज हम छत पे आग जलाएंगे, देखेंगे अभी नहीं। और ये देखिए बंको और शीरो से मिलिए, हेलो कर शीरो से मिलो, तो दे हेलो तो कर दे हेलो। अब शीरो डर रहा है, अभी इधर कहीं पे पटाखे फूट रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है, तो उससे डर रहा है शीरो, इसलिए बार बार नीचे भाग रहा है। तो नीचे ही चलते हैं, नीचे चल के चाय वगैरह बनाऊंगी क्योंकि आज चाय नाश्ता कुछ नहीं हुआ है अभी, और बाल गीले हैं मेरे, बाल सुखाने के लिए दोबारा आऊंगी अभी ऊपर छत पर, नहीं तो फिर नीचे ड्रायर से सुखाऊंगी। और बालों में अभी कंघी भी निकली है। चलिए फिर चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। तो जी नीचे आ चुके हैं हम और बंकुर ने ले लिया है अपना दूध और मैं बनाऊंगी अब अपनी चाय। शीरो ने खाना खा लिया है और निक्की ने भी अपना नाश्ता कर लिया है, ये भी नाश्ता वगैरह करके सुबह ही जा चुके हैं और अब इस टाइम बज रहे हैं 12:30। तो आज काफ़ी टाइम हो गया काम करने करने में, और एक तो त्यौहार था तो त्यौहार की वजह से थोड़ा सा काम डबल हो जाता है और ऊपर से मशीन वगैरह सब लगनी थी, तो इस चक्कर में काम काफ़ी हो गया। और अभी दोपहर के खाने की कुछ तैयारी नहीं है, तो दोपहर में तो आज नमकीन चावल बनने हैं क्योंकि मकर संक्रांति को हमारे यहाँ नमकीन चावल बनते हैं। और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि पहले छत पे मैं बात कर रही थी तो बोलना तो तभी था, लेकिन तब बस जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाई और उसमें कुछ क्लियरिटी पता नहीं चल रही थी, तो इस वजह से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और अब मैं बना लेती हूँ अपनी चाय। तो नाश्ता कर लिया है मैंने, चाय बनाई थी और सुबह बनाए थे मैंने सैंडविच इनके लिए, तो उसी टाइम मेरा एक एक्स्ट्रा बना लिया था मैंने, क्योंकि बच्चे तो सैंडविच खाते नहीं है, खाली ब्रेड खाते हैं, तो अपना सैंडविच बना लिया था वही मैंने नाश्ते में ले लिया। और अब मैं काटने लगी हूँ प्याज, तो यहाँ मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, और दोपहर के खाने में मुझे बनाने हैं नमकीन चावल। तो वैसे तो मतलब बाजरे की खिचड़ी बनती है संक्रांत वाले दिन, बाजरे की खिचड़ी बना लो या मूंग की दाल डाल के बना लो खिचड़ी, इस तरह की खिचड़ी बनती है, लेकिन बाजरे की खिचड़ी कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैं बनाऊंगी मटर पुलाव, क्योंकि वो भी एक तरह की खिचड़ी ही होती है। तो प्याज काटने के बाद फिर मैंने काट दिए थे टमाटर, जो कि मैंने साथ के साथ मिक्सी के जार में ही काटे थे क्योंकि वो मुझे पीसने हैं, और उसी में डाल दी थी 4-5 हरी मिर्चें। और अब मैं काटने लगी हूँ आलू, जो कि मुझे पुलाव में ही डालने हैं। गाजर मैंने पहले ही काट के रख दी थी, और सोयाबीन की मंगोड़ी भी मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी, जो कि मुझे खिचड़ी में ही डालनी है। और मटर वगैरह छिली हुई रखी है, तो बस टमाटर पीसने के बाद अब मैं छौंकने लगूंगी खिचड़ी। तो जी ये देखिए तेल मेरा गरम हो चुका है और अब मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, और प्याज के बाद डाल दूंगी थोड़ा सा हींग। और जब मेरी प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें सोयाबीन की मंगोड़ी ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। और अब इनका पानी मैंने निचोड़ दिया है, और बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से सुखा लेना है इनका पानी, और जब प्याज भुन जाएगी इन्हें इसमें ऐड करके और थोड़ी सी इन्हें हल्की सी भून लेना है। तो जब हमारी सोयाबीन भुन जाएगी उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने आलू गाजर और मटर रखी हुई थी, जो कि मैंने धो धा के पहले ही साफ़ करके रख दी थी, वो ऐड कर दूंगी और हल्का सा इन्हें भी भून लूंगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट।
टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले, जो कि मुझे डालना है धनिया सूखा पिसा हुआ, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, ये मसाले डालने हैं इसमें। और हल्की सी मैंने डाल दी थी कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी गर्म होती है और सर्दी में जैसे चावल ठंडे होते हैं तो कसूरी मेथी वगैरह हम डाल देते हैं तो थोड़ा मतलब सही रहती है चावल वगैरह में। और सारे मसाले भुनने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी चावल, और चावल के बाद जितने चावल लिए हैं मैंने, जैसे कि मेरे ये 1.5 कटोरी चावल थे, और इसमें मैं डाल दूंगी 3 कटोरी पानी, और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, 2 सीटी लगाऊंगी और मेरा पुलाव हो जाएगा तैयार। चावल बन चुके हैं मेरे, ये देखिए। जब तक चावल बने तब तक मैंने झाड़ू लगा दिए, क्योंकि आज खाने की तैयारी झाड़ू पोछा लगने के बाद की थी, तो फिर इस वजह से झाड़ू दोबारा लगानी पड़ गई। और चावल ढाल लेने और ये भी आ चुके हैं, तो आज तक आज खाना खा लेंगे, नहीं तो वैसे तो ये लेट आते हैं। सीटी निकालने में तूने बना दी है, लकी का डब्बा उठा। अभी बनेगी? बन गई। हम देख रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है, ये देख। और थोड़ी सी देर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, जैसे तो चलो ये तो पापा के लाइक देखो किंग ठंड में मन तो करना रहा। हाँ देखने दे, पागल है, उसे ठंड में परेशान कर रहा है। थप्पड़ लगाऊंगी, सुनता नहीं है। ठंड में से बिना मतलब कि उसे निवास में बैठे हुए को उठाया है। तो जी 6 बज चुके हैं इस टाइम, और ऊपर कपड़े लेने जा रही हूँ। ठंड काफी बढ़ गई है और ऊपर अंधेरा भी है। अंधेरा? लाइट जलाइए, कहीं नहीं है। Thank you.
अभी है थोड़ा थोड़ा उजाला, अंदर पता नहीं चल रहा था। अरे बड़ी ठंड लग रही है, हवा चल रही है। बंकू सीरो की वो उठा जल्दी से, सीरो की जर्सी अलग रखियो। और ये देखो हवा चल रही है ऊपर, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब तेरे पापा भी लेट गए, आप कहाँ चलाएंगे फिर? तसला भी नहीं है ना फिर, कहाँ से ले आएगा? इंटू के घर से तो तसला लाएगा। ले पकड़ियो। ले आई हूँ मैं छत पे से, और अब करने हैं ये बर्तन साफ, उसके बाद देखते हैं शाम के खाने में क्या बनाएंगे। वैसे तो खाना अभी हमने नाश्ता वगैरह, भाई आ गया था मेरा संक्रांत की कोठली लेके, तो नाश्ता वगैरह कर लिया, समोसे वमोसे खा लिए, तो अभी फिलहाल कुछ खाने का मन नहीं है। और थोड़ी बहुत खिचड़ी भी रखी हुई है। तो ये देखिए ये लेके आया था भाई मेरा सामान, साड़ी वगैरह भी अंदर रखी है मैंने, गज्जक मूंगफली और दाल बूरा, और ये भी मूंगफली है, और एक ये गज्जक है, और इस कट्टे में है चावल। तो ये सारा सामान वही रखा हुआ है जो भाई लाया था मेरा, ये ले कुछ खा लिए हैं, कुछ रह गए हैं। तो ये सामान तो देखती हूँ सुबह बिताऊंगी, और कुछ इसमें से मूंगफली गज्जक वगैरह है ये बटवानी है। तो अब तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, अभी छत पे गई मैं तो बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही है, तो इसलिए अभी बच्चों को नहीं भेजूंगी, कल बटवा दूंगी मूंगफली वगैरह जो भी बटवानी है मुझे। और बर्तन वगैरह साफ करके मैं भी तभी बैठूंगी, कि वो एक बार कपड़ों में अगर बैठ जाते हैं तो फिर और ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ये नाश्ते के बर्तन वगैरह हैं, वैसे बाकी तो सब मान दिए थे मैंने, ये साफ कर दूंगी मैं, और फिर देखते हैं खाने पीने के जो भी होगी खाएंगे तो बनाएंगे। और हाँ हलवा भी लेके आया था मेरा भाई, कहाँ गया? हलवा किधर रख दिया बंकू हलवा? तो अभी तो हलवा भी रखा हुआ है, ये देखिए गाजर का हलवा घर का बना हुआ है वैसे।